हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में हम बात कर रहे थे कंपेरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स तो हम अलग अलग केसेस ले रहे थे चलिए सेकंड केस पहला केस हम ले चुके थे इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर सेकंड केस हैडाइशन इज सेम हाइबडाइशन इज सेम टर्मिनल एटम इज सेम टर्मिनल आइटम सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट तो फिर क्या बात कह रहे हैं हम हाइबिडेशन सेम है टर्मिनल एटम सेम है नंबर ऑफ लोन पेयर्स अलग अलग हैं अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स अलग अलग हैं तो आप तो जानते हो लोन पेयर्स जितने ज्यादा होंगे सेंट्रल एटम पर रिपल्शंस विल बी मोर एंड द बॉन्ड एगल विल बी लेस तो ऑन दैट बेसिस यू कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अमोनियम आयन अमोनिया अमाइड आयन यहाँ दो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन पर यहाँ एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है वो एच प्लस को डोनेट हो चुका तो इनकी स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो यू कैन कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स ईजीली तो एन ये एच ये एच और यहां ये एन ये लोन पेयर इस टाइप से और यहां ये दो तो लोन पेयर हैं लाइक दिस मान लो ये एंगल थीटा वन ये थीटा टू और ये एंगल थीटा थ्री तो ऑब्वियसली थी, तो यहां पर ये प्लस हो गया

अर इन अमाइड आयन वुड बी फर्दर लेस अमाइड आयन में चार्ज नेगेटिव है यहां पर लाइक दैट यू कैन लाइक दैट यू कैन कंपेयर और एग्जाम्पल लो जैसे जैसे सी एच फोर और जैसे अमोनिया जैसे एच टू ओ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी एच फोर में कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर जबकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर अवेलेबल है अमोनिया में और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं विच इज क्वाइट क्लियर टू यू दिस इज़ क्वाइट इजी ये थीटा वन अगेन परफेक्ट 109 डिग्री अट्ठाईस मिनट ये थीटा टू एंड दिस इज थीटा थ्री हियर आल्सो यू कैन से हाइब्रिडाइजेशन सभी एसपी थ्री हैं जैसे कि इससे पहले एग्जाम्पल में भी था एसपी ये भी एस पी थ्री and this is also sp3 so you would say that theta1 is greater than theta2 is greater than theta3 so like that uh, you can compare in fact uh, theta1 is uh, 109 degree and 28 minutes exactly because there is no lone pair no distortion and here theta2 is 107 degree or water carbon angle be 104.5 degree that you should remember so this is the case too where ज सेम टर्मिनल आइटम इज सेम बट नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग हैं, तो ज्यादा लोन पेयर जहां होंगे रिपल्शन विल बी मोर बॉन्ड एंगल विल बी लेस तो इस केस में हम यहाँ लिख लें इस बात को नंबर ऑफ लोन पेयर्स जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल वुड बी लेस सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर वाइल कंपेयरिंग द बॉन्ड एंगल्स थर्ड केस थ्री उसको भी केस वन टू केस टू केस थ्री कह रहे थे तो उसे भी केस लिख लेते हैं, केस टू नाउ कमिंग टू द केस थ्री केस थ्री में क्या टर्मिनल एटम सेम Terminal atom, same uh, number of lone pairs are same, central atom is different. सेंट्रल इज़ डिफ़रेंट। इन दैट केस टर्मिनल एटम इज सेम नंबर ऑफ लोन पे सेम सेंट्रल एटम इज डिफरेंट तो याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे बात करी एनएस थ्री एच थ्री की अमोनिया उसमें एक लोन पेयर है अच्छा यहां पर टर्मिनल एटम सेम नंबर ऑफ लोन पेयर आर सेम बट सेम लोन पेयर हैं बट नॉट इक्वल टू जीरो अगर जीरो लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल तो फिर एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल तो परफेक्ट होगा उसमें कोई डिस्टोर्शन होगा ही नहीं तो नंबर ऑफ लोन पेयर शुड बी नॉन जीरो फॉर कंपेरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स तो एन ये एच ये एच और ये एच फॉस्फीन कुछ ऐसा बनेगा और मान लो ये एंगल थीटा वन है और ये एंगल थीटा टू है तो साफ दिखाई पड़ता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की ऑब्वियसली ज्यादा है फॉस्फोरस ही कम है तो बॉन्ड एंगल वुड बी लार्जर इन केस ऑफ अमोनिया तो यू वु थी अच्छा इसको समझने के लिए लॉजिक क्या है अब आपको तो पता है कि दो एटम्स के बीच में अगर uh, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शेयर बट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दिस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स नाइट्रोजन इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम टूवर्ड्स नाइट्रोजन तो एक तरीके से होना तो यही था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे बट ऐसा होता नहीं है नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेता है शेयर्ड पेयर पेयर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक तरीके से दिस इलेक्ट्रॉन इज स्पेंडिंग मोर टाइम नाइट्रोजन ये जो मैंने दो डॉट बनाए हैं ये क्या शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी कंसिडर टू बी वेरी मच क्लोज टू नाइट्रोजन एटम ऐसे ही एन एच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन ये सिचुएशन हो गई अच्छा यहां ऐसा नहीं है फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिविटी लगभग बराबर है नियरली 2.1 पॉइंट वन ऑन पॉलिंग स्केल तो इसका मतलब वो जो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो एक बॉन्ड है उसके दो इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वुड बी समेर इन सेंटर ही अच्छा और एक एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया फॉस्फिन आरसिन एस एस थ्री तो एस एस थ्री अगर बनाते तो कैसे बनाते हैं यहां भी एक लोन पेयर अब यहां पे क्या है यहां तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है अब और कम हो गई हाइड्रोजन से भी कम हो गई तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ दिस बॉन्ड पेयर विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स हाइड्रोजन तो ये पता चला और हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया ये समझ रहा कि मैं दो टॉट बना रहा हूं तो क्या शो कर रहा हूं कि ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है मान लो इसको एंगल हमने थीटा थ्री बोल दिया अब ऑब्वियस सी बात है यहां हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का कन्वर्जेंस और यहां हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डाइवर्जेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डाइवर्जेंस हुआ है तो एक तरीके से उनके बीच में रिपल्शन रिड्यूस रिपल्शन अरे समझो भैया क्या बात कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेंट्रल एटम से दूर भाग गए बॉन्ड के तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बीच में यहां है मेनली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये तो शेप ऐसी होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की इस टाइप की तो ये यहां जड़ में नाइट्रोजन के पास में नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा रिपल्शन मारेगा बॉन्ड एंगल विल बी लार्जर और यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शेप ऐसी हो गई इस टाइप से तो मेजर अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये ये दूर हो गए सेंट्रल एटम से कौन सा आर्सेनिक से तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्ड्स Reduced. रिड्यूस रिपल्शन reduced हो गए तो फिर तो स्ट्रेस्ड नहीं है वाला और इसलिए बॉन्ड एगल को बढ़ाना पड़ा सो थीटा वन इज ग्रेटर टू तो ये जो डॉट तो दिखाए ना मैंने ये लोन पेयर है वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो किया है मैंने और ये लोन पेयर शो किया है दिस इज लोन पेयर का सर ये भी तो डॉट ही है अरे ऐसा थोड़ी होता है तो दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम एंड बिकॉसन टू इन फैक्ट इज थीटा थ्री सो दिस इज वन रीजन एंड द सेम लॉजिक अपलाइज इन केस ऑफ द हाइड्राइट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ऑल्सो लाइक एच टू ओ एंड एच टू एस एच टू ओ सिचुएशन वुड बी सिमिलर बिल्कुल वही लॉजिक जो हमने अभी अभी कहा है फॉर अमोनिया एंड लोन दो हैं सेम हैं बट सेंट्रल एटम अब यहां थीटा वन एंगल बोलेंगे यहां थीटा टू एंगल बोलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इज मोर इन केस ऑफ एच टू देन कंपेयर टू एच टू एस सो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू ये याद रखना है रीजन वापस वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच मच हायर देन हाइड्रोजन सो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स टुवर्ड्स दिस बॉन्ड पेयर इज शिफ्टेड ऑक्सीजन एंड द कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज अकर्ड नो दिस दिज आर ने ध्यान रखना ये लोन पेयर्स हैं यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ठीक ठाक कम है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा दूर हो गया स्टिल सल्फर के पास है बट स्टिल इट इज रिलेटिवली फार और फर्दर इन कंपेरिजन टू एच टू ओ तो यहां थोड़ा सा रिपल्शन घट गए सो थीटा थीटा इज इज ग्रेटर देन लॉजिक सेम हियर एज वी स्टडी इन केस ऑफ अमोनिया एंड फॉस्फीन तो एक तो इंपॉर्टेंट केस था तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल वुड बी मोर इफ अदर फैक्टर्स आर सेम लोन पेयर जीरो नहीं होनी चाहिए लोन पेयर जीरो क्यों नहीं चाहिए अरे ऐसा नहीं भाई ऐसा नहीं कि सेंट्रल एटम अगर जैसे बी सी एल थ्री एंड ए एल सी एल थ्री कहने लगे कि सर बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है एल्यूमिनियम से तो इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा ये थीटा वन है और ये थीटा टू है बॉन्ड एंगल तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू अरे नहीं भाई बिल्कुल नहीं कारण जरा देखना बी सी एल थ्री बोरॉन पे कोई लोन पेयर है ही नहीं एल सी एल थ्री यहां भी एल्युमिनियम पर कोई लोन पेयर नहीं है सो द एंगल इज परफेक्टली 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, द टू एंगल इज परफेक्टली 120 डिग्री सो इन दैट केस यू वुड से थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला जो हमने लॉजिक भी एक्सप्लेन किया है ना कौन सा धो ये ये प्रविन एटम सेम हो नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो बट नॉट इक्वल टू जीरो सेंट्रल एटम इज डिफरेंट इन दैट केस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा सो लाइक दैट यू विल हैव टू से देखो यहाँ पर हमने जैसे अभी कंपेयर किया कि इस थ्री में अमोनिया uh, और फॉस्फिन को देर इज एन ऑल्टरनेट अप्रोच ऑल्सो ऑल्टरनेट अप्रोच this is based on drago's rule kya drago's rule drago's rule kehta ye hai ki there is no hybridization of the central atom if third or higher period elements are attached to the less electronegative atom in the polyatomic molecules containing at least one lone pair मैं पहले समझा देता हूँ क्या है उसके बाद लिख देंगे जैसे हम हाइड्राइड्स uh, की बात करें नाइट्रोजन फैमिली के तो

सो लाइक दैट यू विल से इन दैट केस हम ये कह रहे हैं कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन दीज केसेस ड्रैगोज रूल इज एप्लीकेबल अप्लाइज क्या है ड्रैगोज रूल Third and higher period elements having when attached when attached to central atom when attached to terminal atoms. of low electronegativity less than or equal to 2.5 for example uh, hydrogen or carbon then there is no hybridization then there is no hybridization of central atom if सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर्स इन पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल पॉलिएटोमिक स्पीशीज एंड दिस इज नोन एज ड्रैगोज रूल देखो क्या बात कर रहे हैं यहां पर ट्रेगोज रूल में हम ये कह रहे हैं कि यहां नाइट्रोजन एस थ्री है यहां ऑक्सीजन वाटर में sp3 थ्री है बट यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है नो हाइब्रिडाइजेशन नो हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फिन नो हाइब्रिडाइजेशन प्योर ऑर्बिटल्स, इन सच केसेस pure p orbitals of central atom in such cases pure p orbital of central atom form bond with terminal atoms like हाइड्रोजन और कार्बन तो देखो ये है पर, इन दीज केसेस ड्रेगोज रूल अप्लाइज। थर्ड एंडर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस इक्वल टू टू पॉइंट्रोज कार्बनोडल इफ देंट्रटम हेज वन आर मोर लोन पेयर ये इम्पोर्टेंट है कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए इन पॉलिटॉमिक स्पीशीज इन सच स एज प्योर प्योर बेटल ऑफ ए सेंट्रल एटम टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देर इज नो है लॉजिक वही है अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रिक ये लॉजिक वही है आपको अगर याद हो तो लॉजिक सेम एक्सप्लेनेशन वायस एफ सिक्स एग्जिस्ट बट नॉट एसेड सिक्स और पी एफ सिक्स एक्सिस्ट पी एफ फाइव एक्जिस्ट बट नॉट पी एच फाइव तो सेम एक्सप्लेनेशन वाई एस एफ सिक्स एक्सिस्ट बट नॉट एसेड सिक्स क्यों हाइड्रोजन एक्साइट नहीं करा सकता इलेक्ट्रॉन को हाइब्रोडाइजन नहीं करवा सकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्मिनल एटम की कम होने की वजह से यही पॉइंट तो यहां भी है वो हाइब्रिडाइजेशन इंड्यूस नहीं करा सकता दैट्स वाई देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड एंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ फॉस्फरस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली तो पी एस थ्री नो हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू नाइनटी डिग्री सो इन सच केसेस बॉन्ड एंगल्स आर नियरली 90 डिग्रीज क्योंकि पी ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री तो बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री जैसे एग्जांपल देखें क्लोज uh, टू 90 डिग्री का मतलब जैसे एन एस थ्री को देखें पी थ्री को देखें ए एस एस थ्री एस बी एस थ्री और एग्जाम्पल जैसे एच टू ओ एच टू एस एच टू टी एच टू एस सी एच टू टी So here 107 degree, and this is nearly 93.5 degree. This is nearly 92 degree, and this is nearly 91 degree. Here 104.5 degree, this is nearly 92 degree, this is nearly 91 degree, and this is nearly 90 degree. See the bond angle. experimental evidences of these bond angles nearly equal to 90 degree indicate no hybridization एंड प्योर प्योर बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन तो ये था कॉन्सेप्ट ड्रैगोज रूल और ड्रैगोज रूल कहाँ एप्लीकेबल है जैसे मान लो क्वेश्चन ही मैं एक्सप्लेन कर दू के विच uh, हैज है बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल कहाँ हो सकते हैं है? ए मान लो चार ऑप्शन में ऐसे लिख दूँ एक से ज्यादा आंसर हो सकता है मान लो ऐसे पूछ लें जैसे पी एफ थ्री जैसे पी एच थ्री जैसे, अग्ण। जैसे अग्ण। टू एच फाइव ट्वाइस एस जैसे और मान लो एग्जाम्पल ले लें जैसे एच टू ओ तो आंसर वुड बी वॉट आप ही बताओ बी एंड डी देखो क्या थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट सेंट्रल एटम ये थार है अगर आप इसे स्टडी करो सी टू एच फाइव होल्ड ट्वाइस एस को दिस इज डाई है, है ये। आपको पता ही है कि ओ को हटा के एस लगा देते हैं तो वो थायो कंपाउंड बन जाते हैं तो थायोईथर एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव एंड देर आर टू लोन पेयर्स लोन पेयर्स होने जरूरी हैं ड्रेगोज रूल अप्लाई होने के लिए एंड दिस एंगल लगभग ये आई थिंक इट इज नियरली 95 डिग्री और 96 डिग्री के आसपास 109 डिग्री के आसपास तो नहीं है ना तो यहां नो no हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे सल्फर नो हाइब्रिडाइजेशन कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है

बॉन्ड एंगल अभी कंटिन्यू रहेगा वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दैट्स इट फॉर नाउ।